तो मेरा नाम है रेखा, कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है सूजी मैंगो केक। जी हाँ, यह बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अभी कोरोना वायरस के चलते हम लोग हमारे बच्चों के बर्थडे पर बाहर से केक ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी मैंगो केक की रेसिपी। इसे आप घर पर ही अपने बच्चों के बर्थडे पर बनाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी मैंगो केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बड़ी साइज़ का मैंगो। यहाँ पर मैंने 1.5 कप सूजी ली है, इस कप का मेज़रमेंट लिया मैंने। ये 1.5 कप सूजी ली है और 1 कप शुगर ली है। अब हमें सबसे पहले इस मैंगो को अच्छे से छील लेना है और इसे रफली चॉप कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ मैंगो को रफली चॉप कर लिया है। अब हम सबसे पहले हमारी सूजी को मिक्सर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मैदे का यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने सारी सूजी को बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे, फिर उसके अंदर ये सारी सूजी को डाल के उसको छान लेंगे। देखिए, मेरे सारी सूजी को भी छान लिया है। हम उसी जार के अंदर जिसके अंदर कि हमने सूजी को पीसा था, उसके अंदर हम ये चॉप्ड किया हुआ मैंगो डाल देंगे। उसी के अंदर हम ये शुगर डाल देंगे और इसे भी हम बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब हम हमारी सूजी के अंदर ये 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इसे अच्छे से हिला लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से हिला लिया है। अब हम इसके अंदर ये मैंगो डाल देंगे जिसका कि हमने अच्छे से बारीक पेस्ट बनाकर रखा हुआ है। अब इसे भी हम अच्छे से हिला लेंगे। बहुत अच्छे से हिला लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, हमें जितनी ज़रूरत लगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। देखिए, फिलहाल हमारे घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। अब हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए इसका ढक्कन लगाकर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है इडली पॉट का एक सांचा। मेरे पास यहाँ केक टिन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इडली पॉट का सांचा लिया है। आप भी चाहें तो कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, बट वो एल्यूमिनियम का होना चाहिए, क्योंकि अब हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मैदा। हम इसके अंदर बहुत सारा मैदा डाल देंगे चारों तरफ फैलाते हुए। इससे हमारा केक चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसी तरह से ऑयल से ग्रीस करके इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। और आप जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे इस तरह से बाहर वापस निकाल लेंगे। केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले बर्तन को प्रीहीट करना होगा। मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा है। आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं।
उसके अंदर मैं यहाँ पर डालूंगी 1 से 2 चम्मच नमक, जिसको हम चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे प्री हीट होने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। देखिए अब हमारे गोल को चेक कर लेते हैं, इसे लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा और दूध डालेंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर लगभग आधी ग्लास दूध का यूज़ कर लिया है। आप सारा दूध एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। देखिए हमारे घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रहेगी। हमें हमारे घोल को बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये टूटी फ्रूटी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मैदा। अब हम इस टूटी फ्रूटी को हमारे घोल के अंदर डाल देंगे। अब सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाना है, और याद रखें कि आपको हमेशा इसे एक ही डायरेक्शन में हिलाना है। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है। अब हम इसे जल्दी से हमारे इस सांचे के अंदर डाल देंगे। अब हम इसे 4 से 5 बार टैप करेंगे ताकि इसमें किसी तरह का कोई एयर बबल्स ना आए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये टूटी फ्रूटी, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता, थोड़ी सी किशमिश। आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो सब डाल सकते हैं। देखिए अब हमारा पतीला जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर हमारे सांचे को रख देंगे बहुत ही केयरफुली। देखिए मैंने पतीले के अंदर सांचे को रख दिया है। अब मैं इसका ढक्कन लगाकर इसे लगभग 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दूंगी। अगर इसके अंदर से एयर बाहर निकल रही हो तो आप इसके ऊपर कुछ वज़न भी रख सकते हैं। हमारे केक को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारे केक को चेक कर लेंगे कि हमारा केक जो है वो पका है या नहीं। अगर हमारा नाइफ़ क्लीन निकलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक जो है पूरी तरह से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और लगभग 5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसे इस पतीले से निकालेंगे। हमारा केक जो है अब ठंडा हो चुका है। अब हम नाइफ़ की हेल्प से इसे इस तरह से निकाल लें। अब हम पीछे से इसे 1 से 2 बार टैप करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा केक जो है कितनी इजीली बाहर निकल कर आ गया है, ये देखिए। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, ये देखिए हमारा केक कितना सुंदर बनकर रेडी हुआ है। ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना ही सुंदर, उतना ही डिलीशियस है, ये देखिए। आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो है कितना स्पॉन्जी है। आपको मेरी ये मैंगो केक की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको मेरी ये मैंगो केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।